दोस्तों, अगर आप लोग भी ड्रीम इलेवन में रैंक को लाना चाहते हैं, ड्रीम इलेवन से ग्रैंड लीग विन करनी है, मेगा ग्रैंड लीग विन करनी है, 1 करोड़ वाला प्राइस विन करना है, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं उस स्ट्रेटजी में ड्रीम इलेवन से मेगा ग्रैंड लीग तक पहुंचने का सीक्रेट दोस्तों जो है उसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि अधिकतर लोग 49-49 रुपए की टीम लगा के इतना परेशान हो चुके हैं कि मतलब उनका ड्रीम इलेवन क्विट करने का मन कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ड्रीम इलेवन में आज भी विनिंग होती है, आज भी 3 से 4 करोड़ का जो डेली ड्रीम इलेवन अनाउंस करता है, और वो आप भी हो सकते हैं। लेकिन बस विनिंग स्ट्रेटजी समझ के जब तक आप लोग नहीं चलेंगे, रैंक वन लाने का जो सीक्रेट कोड है ना, आप लोगों को उनको समझ चलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है, ड्रीम इलेवन से 2 करोड़ 3 करोड़ जीतने में मुश्किल है, लेकिन ड्रीम इलेवन से अर्निंग करना वो बहुत बड़ा काम है, और वो बहुत आसान हो जाता है। बस इसमें आपको पता होना चाहिए होता है किस स्ट्रेटजी से यहाँ पे विनिंग करने की चीजें आपके सामने आने वाली है। तो पूरी पूरी जानकारी आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी जिम्मेदारी है, कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लें, जिसके माध्यम से आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अर्निंग करने का मौका यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम दोस्तों बात करें ड्रीम इलेवन से विनिंग करने की, ड्रीम इलेवन से रैंक वन लाने की, तो यहाँ पे आप लोग काफी नेक्स्ट लेवल से ड्रीम इलेवन से विनिंग कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ड्रीम इलेवन में रैंक वन लाने के लिए दोस्तों, एक चीज तो देखिए महत्वपूर्ण है, वो होती है टीम क्रिएशन, और टीम क्रिएशन के बलबूते पे ही विनिंग होती है, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर टीम क्रिएशन आपका कमजोर है, आप लोग सही तरीके से टीम क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर चाह के भी आप लोग ड्रीम इलेवन से कभी भी विनिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको दोस्तों जो मतलब जो टीम क्रिएशन होता है ना आपके पास, वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीम क्रिएशन के बलबूते पे ड्रीम इलेवन से रैंक वन लाई जाती है। ठीक है, अब एक चीज बहुत कॉमन चीज है दोस्तों, टीम क्रिएशन में आपको पता होना चाहिए बैटिंग, बॉलिंग और बैलेंस, 3 पिच का एडवांटेज देखने को मिलता है, और इन्हीं तीनों पिच के माध्यम से जो हम लोगों को एडवांटेजेस हम लोग इंक्रीज करते हैं, इंप्रूव करते हैं, उसके बारे में हमको जानकारी भी पता होनी चाहिए यार, कि आखिर इस स्ट्रेटजी से हम विनिंग करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या चीजें हैं जो हम ड्रीम इलेवन से हम लोग दोस्तों इससे सीख सकते हैं। क्योंकि पिच कंडीशन पे ही प्लेयर परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। अगर पिच बैटिंग है, बॉलर को बना रहे, कैप्टन कभी जिंदगी में रैंक वन नहीं आएगी यार, ये फैक्ट है, मानो चाहे ना मानो, आपकी जिम्मेदारी है। और बॉलिंग पिच है, बैटिंग ओरिएंटेड टीम बना रहे, तो भी आप फ्लॉप हो जाओगे। तो यहाँ पे या तो फिर रिस्की टीम बना के एक अलग से रिस्की टीम बना लो, और या तो विनिंग करनी है तो फिर सही तरीके से विनिंग करो, फिर सही तरीके से टीम क्रिएशन करो, पिच को एनालाइज करके काम करो, वेन्यू को एनालाइज करके काम करो, फिर देखो ड्रीम इलेवन में रैंक वन आती कि नहीं आती। लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग, एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि ड्रीम इलेवन से काफी यूनिक और लेवल की यहाँ पे जानकारी आपको देखने को मिलेगी, और विनिंग स्ट्रेटजी भी काफी डिफरेंट है। तो भाई आपको ये बातें समझ के चलनी है कि ड्रीम इलेवन से रैंक वन कैसे आती है, ऐसे ही आती है, इन्हें स्ट्रेटजी से आती है, बस जानकारी पता होनी चाहिए होती है, और जानकारी पता नहीं होगी, चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो फिर किसी भी तरीके से आप लोग यहाँ पे रैंक वन नहीं ला पाएंगे। तो कोशिश करें पिच को एनालाइज करके काम करें, कभी भी सिलेक्शन परसेंटेज और प्लेयर के हायर पॉइंट्स के पीछे ना भागें, क्योंकि प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज और प्लेयर के हायर पॉइंट ये आपकी विनिंग को काफी डाउनग्रेड कर देते हैं, और डाउनग्रेड कर देते हैं तो ये आपके लिए काफी मुश्किल साबित होगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोग दोस्तों, आप लोगों को एक चीज तो पता है कि जब हमारी टीम और हमारी पिच काफी डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करती है, यानी कि बैटिंग के उल्टा बॉलिंग होती है, बॉलिंग के जस्ट अपोजिट बैटिंग होती है, और ऐसी अपोजिट फील्ड में अगर हम लोग अपोजिट प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो विनिंग चांसेस हमारे धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और फिर ड्रीम इलेवन रैंक वन तो क्या दोस्तों, रैंक थर्ड भी नहीं लगा देगा। ये आपको समझ के चलना है कि विनिंग करने के लिए इन बेसिक स्ट्रक्चर को मुझे ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, और अगर रैंक वन लानी है आप लोगों को तो ये आपको जानना है कि टीम बनाने का सही तरीका कैसे होता है, सही तरीके से टीम कैसे बनाते हैं, सही तरीके से रैंक वन कैसे लाती है, कैसे रैंक वन ला के एक यूनिक लेवल की टीम बनाई जाती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। टेलीग्राम से जितने लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाए, जिसके माध्यम से डेली ड्रीम इलेवन के विनर्स की लिस्ट अनाउंस होती है, आप लोगों को ड्रीम इलेवन की विनिंग ट्रिक बताता हूँ, स्ट्रेटजी बताता हूँ, और रैंक वन लाने का पूरा सीक्रेट बताता हूँ, तो जिसके माध्यम से आप लोग बेहतरीन तरीके से विनिंग कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।